कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग कैसे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे नाश्ता बना लिया था सुबह टाइम में ही, तो ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ दोपहर का। तो सुबह टाइम में जो मतलब मैंने सब्ज़ी बनाई हुई थी, तो मैंने कढ़ाई साफ़ नहीं किया क्योंकि मैंने भुजिया सब्ज़ी बनाई थी, और तो मैंने उसी मतलब वो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। यहाँ पर मैंने ऑयल आज मैं बनाने वाली हूँ आप लोगों के साथ, तो मैंने बताया नहीं। आज मैं निमोना बनाएंगे, और मतलब ये मटर का बनता है, इसका सीजन भी जाने वाला है, तो मैंने सोचा कि एक दो बार और हो जाए, अच्छा भी लगता है खाने में। तो जैसे कि मैंने कि यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, मैंने ऑयल भी डाल रखा है इसमें, और मैंने थोड़ा सा मेथी भी डाला था, और जो मैंने मटर मतलब इसको मशीन से सॉरी ब्लेंडर किया हुआ है, तो वो मैं इसमें ऑयल में फ्राई करूँगी। इसको भूनने में कम से कम 10 या 15 मिनट का टाइम लगता है कि अच्छे से ये रेड ब्राउन हो जाए, तो उसके बाद ही आप इसको निकालें। तो यहाँ पे मैंने दरदरा पिसा हुआ है, अगर आप चाहें तो मतलब थोड़ा एकदम बारीक कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है इसलिए मैंने ऐसे ही बनाया। तो इसका जो टेस्ट है, एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत से लोग करते होंगे। जैसा कि मैंने इसमें डाल दिया हुआ है, और ये अच्छे से मतलब इसको चलाते रहना, क्योंकि ये जलने का भी डर रहता है, क्योंकि ये मटर रहता है ना, तो थोड़ा इसमें टाइम भी लगता है, 15 से 20 मिनट तक कम मैक्सिमम लग जाता है यहाँ पर। तो गाइस, जैसे यहाँ पे मेरा थोड़ा जल भी गया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, आराध्या मुझे बुलाने लगी थी इस वजह से, तो आपको मतलब जलाना नहीं है मेरी तरह, और आपको फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया अच्छे से, उसके बाद निकाल दिया है। उसके बाद फिर मैं ऑयल मतलब डालूँगी, और आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, क्रस्टर्ड ऑयल जो खा जो भी मतलब आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल, क्योंकि मैं सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ अक्सर। इसे यहाँ पे तेल गरम हो गया है, मैंने कढ़ाई भी साफ़ नहीं की थी, मैंने सोचा इसमें बना लूँ, इसके बाद भी इकट्ठे में साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मेरा ऑयल जो है वो गरम हो रहा है, यहाँ पे मैं मेथी जीरा नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही डाल रखा था उसको फ्राई करते हुए। अब मैंने जो मसी वो किया हुआ है मसाले सारे, तो इसमें मैंने प्याज लहसुन हरी मिर्च और मतलब सारी जो मसाले होते हैं उसको मैंने अच्छे से पीस लिया है ग्राइंडर में। उसके बाद मैंने ऑयल जो मेरा गर्म हो गया उसमें मैं डाल दी, और जिसमें जितने सूखे मसाले होते हैं ड्राई जो आप लोग खाते हैं वो सब डालिए, और मतलब ये जो अगर आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये सब मेरे मिक्स मसाले हैं। तो आज मुझे वो जो मसाले वाला था उस मतलब थोड़ा गिर उड़ गया था, तो मुझे साफ़ करना था, तो जो गिरे मसाले थे आई मीन जो मतलब डिब्बे में थे, तो मुझे साफ़ करना था, तो इसमें मैंने डाल रखा है, तो मैंने इसमें यही डाला है। इसमें फिर मैं जो काश्मीरी मिर्च होती है वो डालूँगी, और यहाँ पे मीट मसाला जो सब्ज़ी वाला आता है वो मैं ऐड करूँगी इसमें, इसका स्वाद जो है ना इस मसाले में, और ये बहुत अच्छा ही स्वाद आता है। अगर लहसुन प्याज नहीं भी आप लोग खाते हो तो ये मसाले का यूज़ करिए, तो बहुत इसका स्वाद मतलब लहसुन प्याज जैसे ही आएगा और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने करीबन आधा स्पून हाफ स्पून मैंने इसमें डाला है मसाला, और अच्छे से चला लूँगी मैं। ये मेरी कढ़ाई हिल रही है, इसके लिए मतलब ऐसा ना स्टैंड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इस वजह से ये है, और मैंने चेंज करना भी मैं मतलब भूल गई चेंज करना ही। तो यहाँ पे कश्मीरी मिर्च जो लाल मिर्च आती है वो मैं डालूँगी, और उससे तो कलर चेंज ही हो जाता। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने भून लिया अच्छे से, ये मसाला पक चुका है, अब मैं इसको ज़्यादा और नहीं पकाऊँगी, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड और, उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी छोटे छोटे करके बारीक को। अगर आप चाहें तो पीस के इसकी प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने प्यूरी नहीं बनाई, इसमें मैंने टमाटर ऐड किया, तो ये मतलब इसमें ना थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया कि अच्छे से ये पक जाए टमाटर जल्दी, बहुत टाइम ना लगे। तो ये मसाला यहाँ पे अच्छे से मतलब पक चुका है, टमाटर भी थोड़ा बहुत मेरा हो चुका है। अब मैं इसमें जो मटर फ्राई किया था वो मैं आप लोग के सामने ही डाल रही हूँ, इसको अच्छे से मतलब मसाले में मिक्स कर लेना है, तो ये ड्राई ज़्यादा है तो इस वजह से, और मसाले आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जैसे आप लोग को जैसे आप लोग यूज करते हैं। तो ये था मेरा लंच का आज प्रिपरेशन, और इसको अच्छे से मतलब मसाले और उसमें मैश कर लेना है। मैश करने के बाद इसको 2-3 मिनट और भूनना है आपको, भूनने के बाद जो पानी या मतलब जितना लिक्विड आपको पसंद है वो डालेंगे। तो ये मुझे यहाँ पे जूस वाली बनानी है, तो इस वजह से मैं पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि मुझे चावल के साथ खानी है रोटी के, तो इसमें जूस जो है ना मतलब ज़्यादा डालेंगे तो सही रहेगा चावल के साथ रोटी के साथ खाने में। और
जैसे मैं यहाँ 2-3 मिनट में इसको भून ली अच्छे से। अब यहाँ पे पानी मुझे जितनी ज़रूरत थी वो मैंने डाल दिया इसमें, और उसके बाद मैं नमक ऐड करूँगी। अभी नीचे ऊपर करके अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, उसके बाद नमक ऐड करूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा है, अभी गाढ़ा है तो मैं पानी इसमें और ऐड करूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद मुझे अब नमक डालना है। नमक डालने के बाद मुझे इसको बंद कर देना है। ये देखिए मैंने पानी इसमें और ऐड किया है और मैं स्वादानुसार नमक डालूँगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम लोग यहाँ निमोना बोलते हैं, आप सब्ज़ी कह लीजिए या मटर की सब्ज़ी कह लीजिए या कुछ भी कह सकते हैं आप, हम लोग यहाँ निमोना ही कहते हैं। और ये बहुत टेस्टी होती है, अभी सा स्वाद बन के आया था इसका, खाने में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया मुझे खाने में। जैसा कि गाइस मैंने यहाँ पे ढक दिया है सब कुछ डाल के और यहाँ पे मेरा चावल हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो मतलब लंच था वो सब बन के रेडी हो गया है। तो मैंने चावल, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, ये सब्ज़ी सलाद, यही बस था आज के लिए, बस इतना ही डिनर में। आरु क्या कर रहे हैं? मिल्क पी रहा है ना? अच्छा है, अच्छा है ना, अच्छा बोलो हाय, हेलो करो, हेलो कह दो, आप भी पी लो मिल्क, पिला दो, कह दो आप भी पी लो, वेरी गुड, आप फिनिश करो फटाफट। जल्दी फिनिश करो, यहाँ पे टीवी चल रही है और ये टीवी देख देख के और मिल्क पी रही है, इसका बॉटल भी रखा है, लेकिन मैं सोच रही इसको धीरे धीरे ना इसकी आदत पड़ा दूं, मतलब ग्लास वगैरह से पीने से ये अच्छे से पीने लगे। तो ये देखो थोड़ा बहुत कोशिश कर रही है पीने के लिए। और गाइस हम लोग की मतलब चाय वगैरह हो चुकी है और मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था आज मतलब दोपहर टाइम में ही, तो मैंने जो डिनर वगैरह बनाया था आप लोग के साथ शेयर किया और फिर टाइम नहीं मिल पाया, काम रहता है इतना ना। बेटा बदमाशी नहीं करो, इन पकड़ो, जल्दी फिनिश करो दूध, जल्दी जल्दी, गुड गर्ल कौन है? आरू है ना? तो ये इसको मैं किसी तरह मतलब टीवी दिखा के या मोबाइल चला के, वैसे भी मैं मतलब इसको किसी तरह मैं सोच रही हूँ कि ग्लास से ही पीना स्टार्ट कर दे। बॉटल ये तो स्टील से, स्टील की है फिर भी, लेकिन जो ये होता है ना उसका पीने वाला, जैसे क्या बोलते हैं इसको, मुझे रबड़ है, रबड़ भी तो नुकसान करता है ना बच्चों को, इस वजह से। तो मैं जल्दी फिनिश किया आपने दूध, आरू जल्दी फिनिश करो, गुड गर्ल कौन है? आरू है ना? आरू है, बोलो गुड इवनिंग, कैसे हो? ठीक हो? देख रहे हैं ना क्या कर रहे हो आप बेटा? नहीं आप दूध पी रहे हो, मिल्क पी रहे हो ना, ड्रिंक कर रहे हो? तो यहाँ पे मतलब ये टीवी देख देख के कर रही है, इसका खिलौने कुछ पड़े हैं यहाँ पे और इसको मजा भी आ रहा है। मैंने ना आज कंगी वगैरह भी नहीं की थी सुबह से, और बस यही सब। ओके गाइस अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। आरु ऐसे किसी से दो, ऐसे करो कि तो बाय बाय, बोलो बाय बाय। ओके गाइस अब टाइम आ गया आप लोग से अलविदा करने का, तो मैं कल मिलूंगी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।